इन में तो ये है खाली दो छोटा ना एक किस बात हो रहा है मैं ना ये गंदगी कौन छोड़ के गए हो इधर ही ये गल भी किसकी है गल है माइक छोड़ी कोशिश पानी से दब रहा माइक की तार छोड़ी माइक छोड़ी सारा सामान अपना ही है उसका भी इसमें भाई ये मेरे क्या भाई ये जो लगभग मेरे क्या माला लगे इस डबड़ा में ये गुट्ठी काठी वाले सारे। तो भाई गांव गोरछी सार में जो चोरी हुई थी डकैती हुई थी उसने काफ़ी टाइम बीत गया और उस टाइम के बाद में लगातार पुलिस प्रशासन सक्रिय है। रात के करीब 8:30-9 बजे का टाइम है जिस टाइम घटना हुई थी उस टाइम से लेकर अब तक मैं देखने लग रहा हूँ पुलिस प्रशासन जो है अपना लगातार मुस्तैदी से काम करने लग रहा है। जो भी सुराख मिलने लग रहे हैं उसको ढूंढ के और चोरों तक जाने की कोशिश की जा रही है। तो अब देख लो यहाँ रात में खेत में आकर के कुछ आपको दिखाया जाएगा सबूत के तौर पर खाली डब्बे मिले हैं उनको देख करके अब पुलिस प्रशासन आगे की क्या कार्रवाई करता है कैसे अब तक क्या सफलता मिली है ये सब जानकारी हम लेंगे जनाब से। नमस्कार जी। नमस्कार। तो देखिए सर जो अपने ये गांव में चोरी हुई है पता क्या था घर पे बहुत बड़ी डकैती है एक मतलब नॉर्मल इंसान के लिए या चाहे कोई भी हो जिस हिसाब से बता रहे हैं बड़ी चोरी इसमें आपका क्या अब तक आपने सफलता प्राप्त की है और आगे की क्या कुछ सफलता तो शाम में भी ऐसी चोरी हुई है। हाँ जी। तो हमारे से एक तो फुटेज आई है जिसमें चेहरे साफ नहीं आ रहे। हाँ जी। और मोडस ऑपरेंडी का हमको पता चले ठीक है ऐसे ही गांव के बाहर बाइक खड़ी करते हैं और ये सामान इधर ही जाके बांटते हैं करते हैं निकाल के फेंक देते हैं। अब इसका ये फायदा हमको ये पता चल जाएगा बड़वा रोड से गए मतलब इस टाइम आपको ये खाली डब्बे यहाँ मिले हैं। ओए भाई थोड़ा मतलब ये करीब आई ने कैमरा ये जो खाली डब्बे मिले हैं इसको देख कर आपको इस तरफ जाने में काफ़ी मतलब ये जो खाली डब्बे मिले हैं इसको इससे आपको इस तरफ जाने में काफ़ी सफलता मिलेगी कि भाई ये चोरी जो की है ये हकीकत भी है और चोर जो है गांव से निकलकर इस तरफ भागे हैं। हाँ हकीकत तो थी इसमें तो कोई डाउट नहीं था और ये जो इस रोड पे बड़वा रोड पे हमने थ्रू आउट कैमरा चेक करेंगे CCTV फुटेज ठीक है जी। और इधर लोगों को पूछा जाएगा किसी ने कुछ देखा है आपको जैसे भट्टे है वो सही राह चलते हैं। हाँ जी। ये जो लेबर है उनसे पूछें किसी को देखा हो कुछ अपने हरकत नोट करी हो और इस एरिया में हम सारे जो पॉसिबल हाइड आउट्स हो सकते हैं जहाँ पे छुपा जा सकता है 15-20 किलोमीटर की रेडियस में सारे जाके चेक करें। मैं बीडी को छापी करिए थोड़ी मेहरबानी मेरे से। अच्छा तो सर एक अपना जो यहाँ का अपनी चौकी के अंदर में जितना भी इलाका है ये सबसे बड़ी चोरी या इससे पहले भी ऐसी घटना इस इलाके में होती रहती है? नहीं इससे ये पहली बार ऐसा हुआ है और ये बाहर की गैंग है जहाँ तक हमको पता चल रहा है और इसके लिए हमने पहले एक गाड़ी थी गश्त के लिए एरिया में 3 गाड़ियाँ करवा दी है ठीक है कंटिन्यूसली गश्त होगी ठीक है और गांवों में ठिकरी पैरा के लिए बोलती है जो सारी रात चलेगा और पुलिस भी उनसे मिलके जाएगी और मैं खुद चेक करूँगा सारी रात आगे गाड़ी में ठीक है सर। तो ये थे अपने SHO साहब जो मैं भी देखने लग रहा हूँ सुबह से अपनी पूरी कोशिश करने लग रहे हैं और ये सफलता मिलने के बाद आगे की जो कार्रवाई है वहाँ तक पहुँचने के लिए इनमें आसानी मिलेगी। धन्यवाद। राम राम।